Hello everyone, welcome to the channel Knowledge 24. In this video lecture, we will see the topic algorithm, and the subtopics are why we need algorithm, what is algorithm, what are the characteristics of algorithm, and how to write the algorithm. So let's start with why we need algorithm. जब भी हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है या सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना होता है. इसको जस्ट हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको यदि चपाती बनानी है तो सबसे पहले आपको फ्लोर लेना होगा, देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में आप उसका डो बनाएंगे, डो के बाद में आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाने के बाद में हम उसका चपाती बेलेंगे और उसके बाद उसको सेकेंगे, देन हम उसके ऊपर बटर लगाएंगे और इस टाइप से आपकी चपाती कंप्लीट होगी. तो इस प्रोसेस को फ्रॉम द फ्लोर से आपको चपाती बनाने के बीच में हमने पूरा ये प्रोसेस फॉलो किया. यदि इस प्रोसेस में हम किसी भी स्टेप को स्किप करते हैं तब भी हमें चपाती नहीं मिलेगी, या फिर हम इस सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं कि आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फ्लोर से ही रोटी बना ली. तो जब भी हम सीक्वेंस को चेंज करते हैं या किसी स्टेप को स्किप करते हैं तो हमें हमारी चपाती नहीं मिलेगी. अब इसी प्रोसेस को यदि हम जनरल लाइफ से कंप्यूटर साइंस में ले जाएं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम. इट मींस, तो जस्ट हम बात करें कि व्हाई वी नीड एल्गोरिथम, तो जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली हम देखते हैं कि जब भी आप कोई प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम दिया जाता है लिखने के लिए, यदि वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है या फिर लेंथी प्रोग्राम है, तो आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली बिना सोचे समझे डायरेक्टली लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे. आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि इसमें क्या क्या इनपुट होंगे, इसमें हम किस टाइप से इसका फ्लो चलेगा, लाइक क्या क्या हम लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद में हमें आउटपुट मिलेगा. तो जो हमने डिजाइनिंग, जो हमने थिंकिंग किया, उसको जस्ट लाइक हम इंग्लिश स्टेटमेंट में सिंपली राइट डाउन करेंगे. तो बस इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम. अब इस एल्गोरिथम को लिखने के लिए हमें क्यों जरूरत हुई, क्या इसका पर्पज है या वाई वी नीड, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें एक्यूरेसी की. यदि प्रोग्राम को आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली लिखते हैं तो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आएगी, लाइक मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाएगी. और इसी को यदि आपने पहले एल्गोरिथम लिखा देन आपने प्रोग्राम क्रिएट किया तो ये बहुत ईजीली होगा, एक्यूरेसी आपकी 100% रहेगी, प्लस आपको इसमें टाइम कंज्यूम भी कम होगा. सेकेंडली हम बात करें, रिलायबल होगा आपका प्रोग्राम क्योंकि आपने जस्ट उसको पूरे प्रोसेस को एज अ इन अ सीक्वेंस लिखा है. स्टेप्स आपने जो लिखी है, सेट ऑफ स्टेप्स, वो सीक्वेंस में लिखी है, बस जस्ट उसी को आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट कन्वर्ट करना है, तो उससे वो रिलायबल भी होगा और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपका जो प्रोग्राम होगा वो एफिशिएंट होगा. सो द मेन पर्पस, और हम बोल सकते हैं कि व्हाई वी नीड एल्गोरिथम, सो फॉर फर्स्ट इज फॉर एक्यूरेसी, फॉर एफिशिएंसी लाइक इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी. सो दीज आर द मेन रीजन्स वेयर व्हाई वी यूज एल्गोरिथम. नाउ सो अब जो हमने इसको डिफाइन किया तो अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो सिंपली यदि हम देखें तो इसको जनरल टर्म्स में हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स, और वी कैन से दैट इट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच डिस्क्राइब हाउ टू अराइव एट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. जस्ट राइट डाउन व्हाट इज इट, इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स that describe how to arrive at the solution of the problem. This is the definition of algorithm. It's like general definition. So in this we are using finite number of steps. Finite number of steps or finite sequence of steps. It means इसमें जो भी हम steps लिखेंगे वो finite होनी चाहिए. Means number of steps या number of steps के बाद में वो आपका over हो जाना चाहिए. तो इसीलिए हमने बोला it's a finite sequence of steps that describe, क्या describe करेगी ये, how to arrive at the solution of the problem. Means हमने क्या बोला कि just हमारे पास में हमारी problem है, उस problem का हम solution कैसे find out कर रहे हैं, कैसे हम
प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, बस इसी प्रोसेस को जस्ट हम बोलते हैं एल्गोरिथम। सो सिंपली एल्गोरिथम इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने से, क्रिएट करने से पहले हमें उसका एक ब्लॉक क्रिएट करना होता है, इसीलिए हमने इसको बोला इट्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। और इन दिस वी हैव टू फॉलो फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इफ वी skip any type of statement, then it will create the problem. We will not get the desired output. और यदि आपने sequence को change किया तब भी आपको output नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी statement को आपने skip किया तब भी आपको output नहीं मिलेगा। So basically जब भी हम algorithm use करते हैं तो इसका main purpose यही है कि आपका program आपको आप बेहतर वे से आप उस program को create कर पाए। तो definition is it is a like finite sequence of statement or steps that describe how to arrive at the solution of the problem. Now, what are the characteristics of algorithm? It means जब भी आपको कोई गुड एल्गोरिथम क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए या हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो बेसिकली वी हैव टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रिसीजन। नाउ what do you mean by precision? Precision means जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं वो आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और किसी भी यूजर यदि उसको देखे तो उसको इजीली अंडरस्टेबल होना चाहिए और वो प्रिसाइज मीन्स शॉर्ट होना चाहिए। सो प्रिसीजन मीन्स योर स्टेटमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड प्रिसाइज। नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में आपका एल्गोरिथम फिनिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स या हम बोलें कि कम से कम जितनी स्टेप्स होगी उतना ही प्रोग्राम आपका अच्छा होगा, उतनी ही एल्गोरिथम आपकी एफिशिएंट होगी। सो नंबर ऑफ स्टेप्स का हमें ध्यान रखना होगा कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स कम यूज करें और वो फाइनाइट होनी चाहिए कि किस नंबर ऑफ टाइम्स के बाद में वो फिनिश होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड फाइनाइटनेस। देन द थर्ड वन इज यूनिकनेस। यूनिकनेस मीन्स नो एम्बिग्यूटी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर एक इनपुट के लिए आपका एग्जैक्टली वन आउटपुट होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि वी आर पासिंग अ सिंगल इनपुट एंड वी गेट द मल्टीपल रिजल्ट ऑफ अ सेम इनपुट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो यूनिकनेस मीन्स आपका हमेशा यूनिक रिजल्ट आना चाहिए पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग, और जो आपका आउटपुट है या जो नेक्स्ट स्टेप्स है, स्टेप्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस स्टेप्स और प्रीवियस फेज। तो ये आपका क्या होगा, यूनिकनेस और अनएम्बिग्यूस। योर प्रोग्राम और योर स्टेटमेंट्स शुड बी अनएम्बिग्यूस। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज इनपुट। इनपुट मींस जीरो और मोर इनपुट शुड बी सप्लाइड टू द एल्गोरिथम। लाइक हम जब भी बात करें, सपोज आपको सिंपल सा स्टेटमेंट कोई प्रिंट करना है, देन वी हैव नॉट टू फॉलो, लाइक हमें कोई भी इनपुट आपको पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यदि आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है, देन वी कैन सप्लाई वन और मोर इनपुट। सो जीरो और मोर इनपुट शुड बी सप्लाई। एंड द लास्ट वन इज आउटपुट। आउटपुट मीन्स जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका कंपल्सरी है कि आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना ही चाहिए। इट मीन्स वी हैव गेट एटलीस्ट वन आउटपुट, और मोर देन वन भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वन आउटपुट तो आपको जनरेट होना ही चाहिए, तभी यह आपकी एल्गोरिथम सक्सेसफुल है या फिर फिजिबल है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिसीजन, फाइनाइटनेस, यूनिकनेस, इनपुट एंड आउटपुट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके अकॉर्डिंग आप अच्छा बेहतर आप एल्गोरिथम बना सकते हैं, और बेहतर यदि एल्गोरिथम बनी तो प्रोग्राम आपका इजीली क्रिएट होगा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, विदाउट लाइक एफिशिएंट प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू राइट इट, और इससे पहले जस्ट हम बात करें कि हम कहाँ, वेयर वी यूज एल्गोरिथम। सो एवरीवेयर इन कंप्यूटर साइंस वी आर यूजिंग एल्गोरिथम्स। लाइक हम बात करें यदि जनरली जो सब यूजर्स देखते हैं, लाइक गूगल मैप की हम बात करें, फेसबुक की हम बात करें, सर्च इंजन हो गया, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गए, लाइक इंजीनियर्स हो गए, वो सभी भी क्या करते हैं, हर जगह आपका एल्गोरिथम यूज हो रहा है। किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले एल्गोरिथम क्रिएट किया जाता है जिससे कि आपका प्रोग्राम एफिशिएंट बने और वो ग्रुपिंग में आपका कंप्लीट हो सके। इसी टाइप से हम बात करें AI, मशीन लर्निंग, इन सब में भी अभी
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी है सब जगह एल्गोरिथम्स हम यूज कर रहे हैं. तो दीज आर द एप्लीकेशन और हम बोल सकते हैं वेयर वी यूज एल्गोरिथम. एंड द लास्ट वन इज हाउ टू राइट द एल्गोरिथम. तो जस्ट हमने बोला कि एल्गोरिथम क्या है, इट्स अ सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स. मीन्स हम स्टेप्स को जस्ट हमें नेचुरल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम स्टेप्स को हमने सिंपली डिफाइन किया, दिस इज आवर एल्गोरिथम. और इसको जस्ट हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करें. सपोज हमें क्या करना है, वी हैव टू एड टू नंबर्स. दिस इज आवर प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट हम सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी आप एल्गोरिथम के थ्रू अप्लाई कर सकें. सो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें स्टार्ट करना है, वी आर यूजिंग स्टार्ट. देन सेकेंडली हमें पता है कि वी हैव टू एड टू नंबर्स, मीन्स हमें दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो हम उनको क्या करवा दें, इनपुट करवा दें, इनपुट नम वन एंड नम टू. जब हमने इनपुट करवा दिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर कुछ लॉजिक अप्लाई करना है और एडिशन करना है. इट मीन्स दोनों नंबर को जस्ट एड करके किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाना है. सो वी विल राइट थर्ड सी और सपोज सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू. नाउ एडिशन परफॉर्म हो गया, लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया. अब हमें क्या करना है, जो हमने इनपुट दिया था उसके बाद कैलकुलेशन हुई और कैलकुलेशन के बाद में हमें आउटपुट मिलेगा. तो आउटपुट हमें क्या मिला, सम मिला. तो हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा दें सम को. तो प्रिंट सम, जस्ट हमें आउटपुट मिल गया. नाउ आवर एल्गोरिथम इज फिनिश. तो हम इसको एंड कर दें. दिस इज द वेरी सिंपल एल्गोरिथम. इसी टाइप से आप कोई भी प्रॉब्लम हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप उसको जस्ट पहले एल्गोरिथम डिजाइन करें और उसके बाद में अब इसी को जस्ट हम प्रोग्राम में यदि कन्वर्ट करें तो बहुत इजीली हो जाएगा. और वन थिंग मोर दैट, फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव अ कॉमन एल्गोरिथम. ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करना होगा. नो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर लीजिए, आपका एक ही एल्गोरिथम. इसको यदि आप सी में बनाएं, सी प्लस प्लस में बनाएं, जावा में बनाएं, पीएचपी, पाइथन, किसी में भी क्रिएट करें, आपका एल्गोरिथम एज इट इज सेम रहेगा. जस्ट हमारा जो थिंकिंग है उसको हमने इंग्लिश स्टेटमेंट्स में नोट डाउन किया, यही क्या होता है आपका एल्गोरिथम. तो जनरल जस्ट इसको हम समराइज करें कि वाई वी यूज एल्गोरिथम, फॉर इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, करेक्टनेस के लिए हमने एल्गोरिथम का यूज किया. और एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब हाउ टू अराइव एट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच.